हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉर्टेड स्टोरीज। आज की हमारी रेसिपी है मैंगो मिल्क शेक विद आइसक्रीम। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 200 ग्राम वनीला आइसक्रीम, 200 ग्राम बटरस्कॉच आइसक्रीम, 200 ग्राम शुगर, कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, करीब 300 से 400 ग्राम कटे हुए आम, 1 लीटर दूध और करीब 250 ग्राम आइस क्यूब्स। अब हम कटे हुए आम एक मिक्सर जार में डालेंगे, इसमें चीनी मिलाएंगे, आइस क्यूब्स मिलाएंगे और थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमारी स्मूथ पेस्ट एकदम बनके तैयार है। अब हम इसमें बाकी का दूध मिलाएंगे और एक बार फिर से मिक्स करेंगे। अब हम एक ग्लास में वनीला आइसक्रीम लेंगे, बटरस्कॉच आइसक्रीम लेंगे और उसके अंदर मैंगो शेक मिलाएंगे। मैंगो शेक मिलाने के बाद हम इसे ड्राई फ्रूट्स और पपाया क्यूब से गार्निश करेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और पास में बनी हुई बेल आइकन को प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए Bye-bye, take care, see you soon, and thank you for watching my video.